हेलो एवरीवन आई सेड अरे बाप रे डरे हुए सारे मैं खाती नहीं यार ना मुझे कोविड है वी कैन टॉक हाउ यू गाइस गुड 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 पूछ सकते हैं आप सवाल जो पूछने हैं एक घंटा धमाल मचाने वाली है धमाल मचाने वाले हैं बहुत जबरदस्त मेरा पहला एक्सपीरियंस है बॉम्बे में होली का तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने सुना है यहाँ की होली बहुत ज़्यादा क्रेजी होती है और होली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है तो मैं एक्चुअल में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मुझे लग रहा है कि स्टेज पे तो जो होगा होगा उसके बाद मैं अलग पार्टी करूँगी क्या प्लानिंग क्या क्या प्लानिंग है अभी अपने बैंड के साथ हम लोग एक स्पेशल सेट तैयार कर रहे हैं होली का क्योंकि मैंने करा नहीं आज तक शो होली पर क्योंकि मैं यूजुअली खुद ही पार्टी कर रही होती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तो आई जस्ट होप कि Bombay will give me lots of love, lots of new colors on Holi. I think you'd like to talk something about Color Splash. Color Splash, you called me for Color Splash. First of all, I want to thank to all the organizers for having me here. And... अभी मुझे कुछ हफ्ता ही हुआ है बॉम्बे शिफ्ट हुए दिल्ली से हूँ मैं वैसे तो ये मेरा पहला गिग है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ एक्चुअली नर्वसनेस नहीं है मुझे क्योंकि मैंने बॉम्बे में काफ़ी शोज करे हैं पहले और मुझे पता है आप लोग बिल्कुल ही क्रेजी है मेरी तरह तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया दैट्स द फीलिंग और कोई सवाल जी मैं लैंड करी है मेरे को न्यूज़ मिली है अब मतलब आई एम वेरी सैडेंड बाय द न्यूज़ मैं यहाँ कलर स्प्लैश की प्रमोशन के लिए आई थी मेरे को मैंने नहीं सोचा था ये न्यूज़ आज मिलेगी बट हम उनको अलाइव रखेंगे अपने म्यूजिक के थ्रू सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी कैन डू RIP सर एंड ही इज अ लेजेंड एंड वी हैव लॉस्ट अ लेजेंड टुडे सो या बट वी विल कीप हिम अलाइव थ्रू आवर म्यूजिक Life goes on. कुछ एक आध लाइन सुनाना चाहेंगे? अपनी सुना दूँ? बहुत ज़्यादा भारी बातें नहीं करेंगे वरना ऐसा ना मैं इमोशनल हो जाऊँ हम लोग अभी यहाँ पे कलर स्प्लैश के लिए हैं तो लेट्स जस्ट कीप इट कलरफुल थोड़ा सा आज एक डार्क डे हमारी लाइफ में सबकी लाइफ में इंडिया में बट लेट्स जस्ट कीप इट ट्राई एंड कीप इट अ लिटिल कलरफुल आई एम श्योर वो जहाँ भी होंगे वो देख के हमें खुशी होंगी So, दो लाइन अपने गाने की सुना दूँ एनी प्रेफरेंसेस नागिन एक्चुअली नागिन तो सुनाई सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि अभी इवेंट को देखते हुए सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच एनी अदर क्वेश्चन कोलैबोरेशन आ रही है कुछ ही दिनों में पता लग जाएगा आपको उसके बाद इस साल कुछ EP रिलीज करने का प्लान है सो आपको पता लग जाएगा अब मैं रिवील नहीं कर सकते थोड़ा थोड़ा हिंट दे दूँ मार पड़ेगी मुझे ऐसा हिंट है समझ जाओ और कोई क्वेश्चन यार मैं इतनी भी अच्छी नहीं लग रही सर देख ही जा रहे सवाल नहीं कर रहे Now you are pure Mumbaikar, right? I hope so. Welcome to Mumbai. Thank you so much. Thank you for having me here. Thank you Mumbai for such a beautiful welcome. And I hope to keep your expectations, you know, always into consideration and make good music and give you lots and lots of good music that you can party to, that you can dance. Jis pe aap dance kar sakte ho, party kar sakte ho.
अभी कोशिश करो कि थोड़ा रुलाने वाला भी डालो म्यूजिक, थोड़ा हंसाने वाला भी, थोड़ा रुलाने वाला भी, थोड़ा प्यार करने वाला भी. तो इस साल आपको बहुत सारे फ्लेवर्स देने वाले, मैं इतना सा छोटा सा हिंट देना चाहूंगी. बट या थैंक यू सो मच मुंबई. वो मैं बता नहीं सकती, गड़बड़ हो गई थी, वो मैं बता नहीं सकती. बट होली मेमोरी जो ओके, तो मैंने नहीं वो इतनी अच्छी नहीं थी, सोचने दो. होली ओ यस, एक होली हमने एक शो करा था दुबई में और वो बहुत ही ज्यादा, मतलब आई थिंक दैट वाज द ओनली होली शो दैट आई हैव परफॉर्मड ऑन. तो क्या स्टेज था वो और क्या एनर्जी थी. तो बॉम्बे ये याद रखना कि बेंचमार्क सेट है, तो इस साल हमें उसको सरपास करना है. नेक्स्ट सीजन मेरे बिना होली हो ही नहीं चाहिए. Thank you. ट्रैवल तो मेरा बहुत था लेकिन कभी ऐसे सेटल होने का चांस नहीं बना, तो फाइनली मूव करा है. बट आई थिंक यहाँ पे मुझे मिट्टी भाई के वड़ा पाव बहुत पसंद है. अब मेरे को देख के काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप वड़ा पाव खा तो जाता गए, बट सही जगह जा रहे हैं पता नहीं लगता. जैकेट के नीचे छुप जाता है. बट या मिट्टी भाई के वड़ा पाव, सबको की कॉफ़ी और सीलिंग की गेड़ी आधी रात में. सो या ये तीन चीज़ें तो डेफिनेटली. आप ये इवेंट पे आए हो कलर स्प्लैश सर, आप बताइए कि ये इवेंट किस तरीके का होने वाला है ये साल, और आस्था को आप लेके आए. हाँ, तो किस तरीके का होने वाला, क्या चेंजेस, क्योंकि हर साल एक अपग्रेड वर्जन होता है कोई भी इवेंट करते हैं, तो इस बार क्या होने वाला है. लास्ट ईयर हमने जब होली की थी उसके सेकेंड वीक ही हमने डिसाइड कर लिया था कि हम सीजन 5 आस्था मैम के साथ ही करेंगे. सो इस बार हमने उनके लिए बहुत स्पेशल चीज़ें रखी है, बहुत सरप्राइज रखी है जो हमने अभी तक बताया नहीं. तो जब वो स्टेज पे आएंगे तब वो ऑडियंस देखते ही वो खुद बोलेंगे कि दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट इवेंट ये होली का. क्योंकि हमने आप ही थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हम बहुत फैमिली क्राउड को भी इनवाइट कर रहे हैं. काफ़ी होली में किड्स को आने नहीं मिलता है, फैमिली को आने नहीं मिलता है, तो हम एक किड्स जोन भी बना रहे हैं जहाँ पे किड्स भी आ सकते हैं, अपना गेम वगैरह खेल सकते हैं और फैमिली भी एंजॉय कर सकती है. सो हमने ये इनके लिए बहुत सारे सरप्राइज है, बहुत एक्साइटेड है. सीजन फोर से हम आ रहे हैं, सीजन फाइव पे हम अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20,000 से लेके 18,000 लोगों को इनवाइट कर सके और 100% हम इतने लोगों को लेकर. सर आप क्या कहना चाहोगे? बेसिकली हमारी जो होली है इट्स
more than entertainment, उसको safe भी रखते हैं. We play only with the organic colors. We don't allow any other colors inside, so that family, people, kids, whoever are coming are safe along with the music they get. So it is always a high energy event what we try to give it to the people. That's the thing. आस्था, इसके पहले आपने जैसे कहा कि आपने दिल्ली में अलग अलग जगह पे शोज किए, होली में तो नहीं ऐसे किया है आपने, तो इस बार मुंबई में करने वाले नर्वसनेस है या एक्साइटमेंट है, क्या फीलिंग है, मिक्स फीलिंग थोड़ा बताइए सबको. बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है एक्चुअली, सच्ची बोल तो. और अभी जैसे सरप्राइज आपने बोला तो मुझे एक 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 फीलिंग होती चुल. अब मुझे वो हो रही है कि क्या है. सो या दीज आर द टू मेन फीलिंग्स राइट नाउ व्हेन आई एम एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग. और आपके गाने अगर हम देखें तो आपके गाने हमेशा कलर्स के साथ ज़्यादा होते हैं, तो इसके पीछे कुछ राज बताइए कि आप हमेशा नियॉन कलर्स के साथ ज्यादा प्ले करती हैं गानों में भी. मैं आज भी होली तो आ रहा है, होली तो आ रहा है, बट कलर्स के साथ प्ले करना आपको बहुत पसंद है, इसके पीछे का राज बताइए. आई एम अ वेरी कलरफुल पर्सनालिटी एनीवे, लाइक मेरे को कलर्स पसंद है क्योंकि मैं आई थिंक हूँ भी ऐसी. वैसे तो मुझे ब्लैक भी बहुत पसंद है, बट मुझे कलर्स भी बहुत पसंद है. आपने आजकल इतने सारे म्यूजिक किए, मतलब अभी कुछ ऐसे इमोशंस वाले म्यूजिक अभी हमें सुनने मिलेगा ये साल, और किस तरीके के प्रिपरेशंस आपने किए हैं, फैंस को, ऑडियंस को क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे? तो जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे कलर्स हैं, इस साल आपको वो सारे कलर्स दिखने वाले हैं मेरे गानों में, क्योंकि फाइनली अब मैंने थोड़ा तो आजकल मैं अपने लिरिक्स खुद लिखने की प्रैक्टिस कर रही हूँ, और मतलब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ आज की मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में. कई लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बट अब मैं फाइनली इस चीज़ को खुद प्रैक्टिस करना शुरू करा, तो मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ इस प्रोसेस को. तो अभी जो मेरा एक्चुअल में जो जोन है वो ऑलरेडी इतना कलरफुल है, क्योंकि जब आप लिखने लगते हो तो आपके आसपास जो हो रहा है ना, आप छोटी छोटी डिटेल्स में ध्यान देना शुरू करते हो, तो आपको हर चीज़ की खूबसूरती और ज़्यादा यू नो महसूस होने लगती है. तो मैं आजकल वो ज़्यादा फील कर रही हूँ, तो ऐसे मेरे को कलर्स सब जगह दिख रहे हैं. सो या इस साल आपको बहुत सारे कलर्स दिखने वाले हैं मेरे म्यूजिक में भी. लेकिन लिखना आसान है या गाना आसान है? गुड क्वेश्चन. आसान कुछ भी नहीं है, और देखा जाए तो आसान सब कुछ है. वो टोटली डिपेंड करता है कि आप किस पैशन से करते हो और कितने दिल से करते हो. सर जैसे इतने सारे आर्टिस्ट हर साल जैसे होली में आते हैं, सिंगर्स को लाते हैं, आपको आस्था में ऐसे क्या दिखा जो आपने इन्हें चुना? मुझे ऐसा लगता है आस्था से बेस्ट परफॉर्मर मुझे नहीं लगता सीजन 5 में कोई आना चाहिए, इसलिए मैंने लास्ट ईयर ही चुन लिया था. और मेरी पूरी टीम ने डिसाइड किया हुआ है, जो पीछे पूरी टीम है, जैसे ये होली हम करते हैं तो एक जन नहीं करते, पूरी टीम का मेहनत रहता है इसके अंदर. तो ये सारी टीम का एफर्ट्स था, सारी टीम का डिसीजन था कि सर इस बार आस्था मैम को बुलाते हैं, इसलिए हम आज तक. आपके फैंस जो मुंबई में, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी लास्ट में? और जो अभी मुंबई में आपको देख, जो ट्रैवल करके जाते थे दूसरी जगह आपके कंसर्ट अटेंड करने, उन्हें क्या कहना चाहेंगी लास्ट मैसेज? मैं आ गई हूँ, आ जाओ. अब तो मैं आपके अपनी हूँ. अब तो मैं यहीं की लोकल बन गई हूँ. सो प्लीज गाइज डू कम. आई विल मेक श्योर दैट आई मेक इट द बेस्ट होली ऑफ योर लाइफ, एंड आओ मेरे साथ पार्टी करो. मैं पहली बार अपने परिवार से दूर होली मना रही हूँ, मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, तो आई वांट टू गो बैक विद द फैमिली, एंड प्लीज गाइस लाइक डू कम एंड या लेट्स पार्टी टुगेदर. एंड आस्था जी जो पंकज सर्कल भी भूल आया, बहुत सैड न्यूज़ है. मतलब मैं आई रही जब आज ही लैंड करी दिल्ली से, और मेरे को लैंड करते ही न्यूज़ मिला, तो मतलब बहुत डिसहार्टनिंग है हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए, सबके लिए इनफैक्ट. एंड बस यही इतनी सी बात कहना चाहूँगी कि उनको हम अपने सब म्यूज़िक में ज़िंदा रख सकते हैं, सो लेट्स जस्ट प्रे फॉर हिम, मे ही रेस्ट इन पीस एंड द लाइफ गोज ऑन. सो उनके म्यूज़िक से हम उनको ज़िंदा रखेंगे, इससे ज़्यादा मैं और क्या ही बोलूँ, हम तो बहुत छोटे हैं उनके आगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हेलो, क्या
अभी बज रहा था ना। ओके डन।